वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट टू। तो देखो, पहला पार्ट में कुछ कुछ बेसिक देखे थे और ठीक है, उसका बॉर्ड मॉस का भी ठीक है, उसको मतलब उसका कॉन्सेप्ट को मतलब एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। तो आज जो देखेंगे सीरीज पे बेस्ड इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सीरीज रहेगी आपके पास, तो उसको आपको कैलकुलेशन ना करके आपको काटना है, ठीक है। तो काटोगे कैसे, देखो कैसे काट सकते हो। दो प्रकार की सीरीज आती है, ठीक है, दो टाइप सीरीज आती है, दो टाइप की सीरीज आती है, ठीक है। एक तो आपका ऐसे करता है, ठीक है, इस साइड से तिरछा ऐसे करता है, और दूसरा जो रहता है ऐसे करता है, ठीक है, ऐसे तिरछा करता है। जैसे कि आप देखो, आपका 2/5 है, 5/7 है, 7/9 है, 9/ आपका जो भी है 10 है, जो भी रहेगा, ठीक है। तो देखो इसमें तिरछा ऐसे करते हैं, कहने का मतलब देखो ऐसे, देखो यहाँ पे देखो 5 और 5 कट रहे हैं, 5 और 5 मतलब ऐसे कट गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 और 7 कट रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे कट रहा है ना, ऐसे कट रहा है, ठीक है। 9 और 9 कट रहे हैं, मतलब ऐसे कट रहा है। तो देखो ऐसे ऐसे कटते जा रहा है, तो आपका बच कौन सा रहा है, तो बच कौन सा रहा है, देखो यहाँ पे मतलब फर्स्ट का क्या बच रहा है, आपका अंश बच रहा है, ठीक है। फर्स्ट का क्या बच रहा है, अंश, और लास्ट का हर, ठीक है। फर्स्ट का अंश और लास्ट का हर, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट का जो है अंश जो है ऊपर में, मतलब अंश में, ठीक है। फर्स्ट जो है फर्स्ट, ठीक है, जैसे 2 है, तो यहाँ पे 2/10 बच रहा है, ठीक है, 2/10। तो देखो फर्स्ट वाला ऊपर रहेगा और लास्ट वाला आपका नीचे, देखो लास्ट वाला क्या रहेगा, नीचे रहेगा बटे में, ठीक है। फर्स्ट वाला बटे में ऊपर रहेगा, लास्ट वाला नीचे में रहेगा। तो वैसे ही उसमें जो कटता है, देखो ऐसे उल्टा कटता है, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया 2/7। अब देखो इस टाइप का सीरीज में कैसे कटेगा, सेकंड वाले में देखो, उसमें इस साइड से कट रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे 7/7 कट रहा है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे देखो 5/5 भी कट रहा है, और वहां पे 11/11 भी कट रहा है, ठीक। तो मतलब इस साइड से ऐसे कट रहा है, उल्टा कट रहा है। तो देखो उसमें क्या है कि आपका क्या बचेगा, देखो आंसर में यहाँ पे 9/2 बच रहा है, ठीक है, 9/2 बच रहा है। तो देखो लास्ट का क्या बच रहा है, आपका लास्ट का अंश बच रहा है, ठीक है, और फर्स्ट का क्या है, आपका फर्स्ट वाले का क्या है, हर बच रहा है, ठीक है। मतलब आपका कहने का मतलब जो लास्ट में जो बच रहा है, ठीक है, मतलब ऊपर में आके जो लास्ट में बचेगा, और नीचे में क्या आएगा, आपका फर्स्ट में जो बचेगा, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो पहला क्वेश्चन, 1+1/2, 1+1/3, 1+1/4 से लेके 1+1/1, ठीक है, 1/120 तक का गया है, ठीक है। तो उसका वैल्यू कितना होगा, तो देखो यहाँ पे कटाना है उसी टाइप का। तो देखो एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं पहले। जैसे देखो 2+ ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 3/2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 4/3। देखो वैसे ही है, 4 1 5/4, ठीक है, 5/4, ठीक है। तो देखो ये किस टाइप का कट रहा है, पहले देख लो, ये देखो 3 से 3 कट रहा है ऐसे, देखो 4 से 4 कट रहा है, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में कट रहा है। तो क्या है कि आपका ऐसे कटते जाएगा, ये भी ऐसे कटते जाएगा। तो बचेगा क्या है आपका, देखो फर्स्ट का क्या बच रहा है, नीचे वाला बच रहा है, ठीक है। फर्स्ट का क्या बच रहा है, नीचे वाला बच रहा है, मतलब लास्ट का क्या बचेगा, ऊपर वाला बचेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पूरा कट जाएगा। तो लास्ट वाला स्टेप बस देख लो आप, ठीक है, लास्ट वाला स्टेप देख लो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 121/20, ठीक है। तो ये मतलब 120 तो पूरा कट जाएगा आपका, ठीक है। तो लास्ट में क्या बचा, 121, तो 121/2 आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60+5। तो ये देखो सी आंसर होगा इसका, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो यहाँ पे एक स्टेप पहले सॉल्व कर लो, तभी पता चलेगा क्या कटेगा क्या नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1-1/2 है, तो ये देखो 1 में आधा घटाओगे तो आधा बचेगा, उसके बाद 1 में 1/3 घटाएंगे तो 2/3 बचेगा, ठीक है, 2/3, ठीक है। 1 में 1/4 घटाओगे तो 3/4 बचेगा, 3/4। तो ऐसे करते करते कितना गया है आपका, n-1/n, ठीक है। तो ये भी देखो कैसे कट रहा है, तो देखो यहाँ पे 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, ठीक है, वैसे 4 से 4 कटेगा, तो मतलब ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कट रहा है, ठीक है। तो आपका देखो आपका यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है देखो ऊपर में क्या है, 1 है, ऊपर में क्या है, 1। अब देखो नीचे में क्या बचेगा, देखो ऐसे ऐसे कट जा रहा है, ठीक है। देखो एन क्या है आपका, नीचे में बच रहा है, तो नीचे में क्या बचेगा, एन, ठीक। तो 1/n इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा,
तो देखो यहाँ पे वन वन अपॉन वन इंटू टी, देखो ये वन पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं, पॉइंट तो एकदम चिपक के रहता है, ठीक है, पॉइंट जो रहता है जैसे 1.2 है, 1 पॉइंट एकदम चिपक के रहता है, ठीक है, ये ऐसे अलग है ये, ठीक है, पॉइंट है, और पॉइंट अधिकतर आपको नीचे में, वैसे आपको क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए पॉइंट ऐसा है, ठीक है, आपको कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ी बोलेगा, ठीक है, पॉइंट का मतलब यहाँ पे गुणा है, ठीक है, पॉइंट का मतलब यहाँ पे गुणा है, गुणा दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ऐसा है ये, ठीक है, जैसे कि 1 अपॉन 1 इंटू 2 है, ठीक है, तो अब इसको देखो सीरीज तो दे दी गई है आपको, लेकिन आप इसको सॉल्व मतलब रिजॉल्व मतलब आपको आसानी से कैसे करोगे, ठीक है, आसान तो ऐसे डायरेक्ट पढ़ने वाला नहीं है, थोड़ा इसको आसान करना पड़ेगा, तो आसान कैसे बनेगा ये, तो देखो आसान बने एक तरीका इसका ये है, नीचे में देखो ये जानबूझ कैसा दिया गया है, नीचे में देखो 1 गुणा 2 है, ठीक है, तो इसको आप अलग अलग कर सकते हो माइनस करके, ठीक है, जैसे कि 1/1 - 1/2 ऐसे कर लिए, ठीक है, देखो ऊपर वाला 1 है तो ऊपर में 1-1 है, ठीक है, नीचे में देखो नीचे में 1 है तो ये नीचे 1 आ गया ये वाला, और देखो ये 2 जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है, और दोनों के बीच माइनस आ गया, अब इसको सॉल्व करके देखो इतना ही आएगा, ठीक है, नीचे में देखो इसका एलसीएम लेके देख लो आप, ठीक है, इसका एलसीएम लेके देख लो, एलसीएम आएगा 2, ठीक है, और ये 2 घटेगा तो देखो 2 में 1 घटेगा, देखो कितना आ जाएगा 1/2, तो ये भी तो 1/2 है, ठीक है, ये आपको क्लियर नहीं है तो मैं सेकंड वाला भी करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, जैसे कि 1/2 × 3 है, ठीक है, 2 × 3 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 - 1/3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो देखो इसका एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, उसके बाद 3 का गुणा इधर करोगे -2 करोगे तो मतलब 1/6 आएगा, तो देखो 1/6 तो ये भी है, ठीक है, तो आप इस टाइप से आप लिख सकते हो माइनस करके, ठीक है, अगर दोनों के बीच का एक का अंतर है, ठीक है, यहाँ पे देखो एक का अंतर है कि नहीं, यहाँ पे देखो एक का अंतर है किसी भी संख्या में, नीचे में अंतर 1 है, यहाँ पे भी अंतर 1 है, ठीक है, मतलब जितना अंतर है उतना ही ऊपर अगर है, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, तो उसी चीज को अभी एक एक स्टेप लिखते हैं, उसके बाद मैं काट के दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखो इसको लिखेंगे 1/1 - 1/2, ठीक, प्लस इसको कैसे लिखेंगे 1/2 - 1/3 लिख दिए, वैसे ही इसको भी 1/3 - 1/4, ठीक है, वो स्टेप जाते जाएगा और ये आ जाएगा 1/9 - 1/10, ठीक है, इतना आ गया, अब देखो क्या क्या कट रहा है उसको कटा लेते हैं, ठीक है, अब देखो इसमें उस टाइप का नहीं कट रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सब पूरा गुणे में था, पहले जो सीरीज थी आपको पूरा गुणे में चल रहा था, इसीलिए आपको ठीक है ऐसे तिरछा में कट रहा था, लेकिन यहाँ पे उस टाइप का नहीं कटेगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस में है तो प्लस माइनस में कटेगा, तो यहाँ पे देखो -1/2 ये +1/2 ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, वैसे ही -1/3 + 1/3 ये कट गया, वैसे ही -1/4 अगला स्टेप आ जाएगा यहाँ पे, और +1/4 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे इसमें जो है प्लस माइनस वाले में अब फर्स्ट और लास्ट का पूरा पूरा बचता है, ठीक है, तो देखो हर स्टेप में कट जा रहा है, फर्स्ट स्टेप बचा है उसके बाद सेकंड से पूरा कट जा रहा है, ठीक है, वैसे ही करते करते वो यहाँ तक का पहुंच जाएगा ये, ठीक है, ये -1/9 आएगा यहाँ पे, 1/8 ऐसे आएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे 8 भी कट चुका रहेगा, ये 9 9 भी कट जाएगा, तो बचे है क्या लास्ट वाला स्टेप बच गया अपना -1/10, ठीक है, और फर्स्ट वाला स्टेप बच गया 1/1, ठीक है, तो 1/1 बच गया, -1/10 बच गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम निकालोगे 10 10 10 का गुणा इधर करोगे 1 का गुणा इधर, 10 - 1 कितना हो जाएगा, 10 - 1 मतलब 9/10, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा संख्या अलग दिया, ठीक है, बट वैसी चीज है, ठीक है, यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन देखो ऊपर में क्या है 6 है, नीचे में क्या है देखो 2 और 4 है, देखो यहाँ पे 6 दिया है आपको और 2 × 4 दिया है, मैं आपको बताया था इनके बीच का गैप देखना है आपको, ठीक है, इनके बीच कितना गैप है, 2 का गैप है, ठीक है, मतलब 2 का गैप है, तो इसको अगर इसमें कन्वर्ट करोगे आप, ठीक है, तो आपको ऊपर में 2 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे 2 × 4 हो जाएगा और ऊपर में 4 - 2 कितना हो जाएगा आपका, 2/2 × 4, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको 2/2 यानी कि आपको जो नीचे में गैप है वही आपको ऊपर में मिलता है, ठीक है, जो नीचे में गैप है वही आपको ऊपर में रिजल्ट के रूप में मिलता है, तो यहाँ पे देखो 6 है लेकिन यहाँ पे 2 आपका आना चाहिए, ठीक है, नीचे में गैप 2 है तो ऊपर भी तो 2 आना चाहिए, लेकिन आपका 6 है, तो 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 6 मतलब 2 × 3, ठीक है, 2 × 3, तो यहाँ पे देखो सब में 2 × 3,
मतलब थ्री को कॉमन निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा आसान रहेगा। देखो थ्री को कॉमन निकालेंगे सबसे, तो देखो 2 × 3 के रूप में है, तो देखो 3 कॉमन निकाल लिए तो बचेगा क्या, ठीक है बचेगा क्या, 2/2 × 4 प्लस 2/4 × 6 प्लस 2/6 × 8, ऐसे करते करते आपका 2/18 × 20, ठीक है यहाँ तक गए। देखो 3 कॉमन आ गया, ठीक है 3 कॉमन आ गया, 6 तो दो दो बज गए ऊपर में सबके, ठीक। तो अब देखो इसी स्टेप को अब आप सॉल्व कर सकते हैं, उसी टाइप का माइनस में लगा के। देखो इसको लिख सकते हैं 1/2 − 1/4, 1/4 − 1/6, 1/6 − 1/8 प्लस जाएगा आपको 1/18 − 1/20, ठीक है। अब ऐसे लिख लिए, ठीक अब तो क्लियर हो गया होगा। अब जो भी कट रहा है कटा सकते हो, तो देखो 1/4 1/4 कट रहा है, ठीक है −1/6 +1/6 से कट गया, और वैसे ही कटते जाए करते जाएगा, वो 18 तक का पूरा आपका कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका, देखो आपका फर्स्ट और लास्ट स्टेप बच रहा है, देखो फर्स्ट में 1/2 है और लास्ट में क्या है −1/20 है, तो ये बच जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 पहले से बचा हुआ है, तो देखो 1/2 − 1/20, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 − 1/20, ये हो जाएगा एलसीएम इसका 20 आएगा, 10 का गुणा इधर करोगे 10 − 1 अब 3 ऐसे ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा कि 9 9 27/20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो नीचे में आपका स्क्वायर दे दिया गया है, ठीक है, तो आपको उसे घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई आपका मतलब इसमें डिफरेंस आपका बनना चाहिए, डिफरेंस जो नीचे में आएगा तो ऊपर में भी वही आना चाहिए, तो फिर क्लियर है फिर क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे पहला स्टेप देखते हैं आपका, पहला स्टेप यहाँ पे देखो 3/ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर है तो 1 × 2 स्क्वायर है तो क्या आ जाए 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका अंतर कितना है 3 का है, तो ऊपर अभी देखो 3 आया है, तो मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है आपका 1/1 − 1/4, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो भी यही आपका बन के आएगा, ठीक है। वैसे भी सेकंड स्टेप देखते हैं, सेकंड स्टेप ठीक है, ऊपर में क्या है 5 बन रहा है, 5 है आपका, और ये नीचे में क्या है 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9, ठीक है 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9, तो 4 × 9 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो 4 और 9 में कितने का अंतर है, यहाँ पे 5 का अंतर है, 5 का अंतर ऊपर में 5 है, ठीक है। तो 5 और 5 है मतलब यहाँ पे सीधा आपको मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/4 − 1/9, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं, तभी तो इसको ठीक है एलसीएम निकाल करोगे तो इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे हर स्टेप में ये चीज होगा, ठीक है, हर स्टेप में ये चीज आपको होने वाला है, ठीक है। तो वैसे ही हम थोड़ा अब इसको मिटा के मैं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/1 square − 1/2 square, ठीक है। मतलब स्क्वायर को मैं स्क्वायर ही फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 और 4 लिखता एक ही मतलब है, मतलब दोनों को अलग अलग बस तो करना है अपने को, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर में तो आपको क्या लगेगा 1 ही लगेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा इतना, उसके बाद 1/2 का स्क्वायर − 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद वैसे ही आपका ये 1/3 का स्क्वायर − 1/4 का स्क्वायर, वैसे ही जाते जाएगा जाते जाएगा। और देखो लास्ट में क्या है आपका 1/9 का स्क्वायर और 1/10 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे जो जो कटेगा हम कटा देंगे, ठीक है। क्या कट रहा है देखो, माइनस माइनस वाला कट जाएगा, मतलब इसमें हर स्टेप इसमें भी कट जाएगा। देखो −1/3 स्क्वायर − 1/3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर वाला भी 4 स्क्वायर से भी 9 स्क्वायर, यहाँ पे देख 1/8 का स्क्वायर − 1/9 का स्क्वायर बनेगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो आपका देखो क्या बच रहा है, इसमें भी फर्स्ट और लास्ट वाला बच रहा है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट वाला बच रहा है उसको लिख लेते हैं, 1/1 का स्क्वायर − 1/10 का स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो नीचे आपका एलसीएम आ जाएगा 100, ठीक। तो ऊपर में गुणा होगा इधर 100 का और −1, कितना हो जाएगा 99/100, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैच कर रहा है क्या, बी आंसर मैच कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और बचा है उसको भी देख लेते हैं।
देखिए छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो आपका अंडर रूट में दिया है नीचे, ठीक है, अंडर रूट में दिया है। और दूसरी बात आपको देखो यहाँ पे दो चीज दिया गया है, यहाँ पे देखो प्लस है तो ये देखो माइनस है, फिर यहाँ पे देखो प्लस है फिर माइनस है, मतलब है सीरीज ऐसे बढ़ रहा है, प्लस माइनस की सीरीज है, ठीक है। और लास्ट में आपका ये वाला माइनस में, ठीक है, तो प्लस माइनस में जा रहा है सीरीज आपका। और दूसरी बात नीचे में क्या है, अंडर रूट है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप की सीरीज हो गई, ठीक है। अब इसमें तो ठीक है प्लस माइनस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिख रहा है क्या कि इसको हम मतलब तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे तोड़ के लिखोगे तो लिख सकते हो क्या इसको। देखो यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे, यहाँ पे देखो अंतर तो ऐसे नहीं बढ़ रहा है ना, ये वाला, जैसे कि आपका 100 माइनस 99, ठीक। तो देखो इन दोनों के अंतर, ऊपर में जो अंतर है, देखो ऊपर में जो संख्या है वही अंतर में होना चाहिए, बोला था मैं। तो देखो अंडर रूट 100 लेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये आपका 10 हो जाएगा ये वाला, और ये 99 का रूट लोगे तो कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3√11 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में तो भाई एक का डिफरेंस तो नहीं है ना, ठीक है, तो हम इसको उस टाइप का सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, प्रमेयीकरण से सॉल्व करेंगे, हर का प्रमेयीकरण से, ठीक है। तो देखो हर का प्रमेयीकरण कहने का मतलब है आपको चिन्ह उल्टा करके आपको ऊपर नीचे गुणा कर देना, ठीक है, मतलब यहाँ पे माइनस दिया है तो आपको प्लस ले लेना, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसे प्लस लेके ऊपर नीचे गुणा करना है, ठीक है, प्लस लेके ऊपर नीचे गुणा करना है। देखो यहाँ पे माइनस है तो उसका अपोजिट, ठीक है, उसका अपोजिट प्लस, ठीक है, तो माइनस का अपोजिट प्लस, मतलब बीच में है, मतलब दो संख्याओं के बीच में उसको, और क्या है ऊपर नीचे आपको गुणा करना है, ठीक है, मतलब हर का ही है ना, ऊपर ऊपर वाले का नहीं, ऊपर में जो रहेगा उसका नहीं करना है, ठीक, मतलब हर का ही करना है, इसीलिए हर का परिमेयीकरण कहा जाता है इसे, ठीक है। तो हर का परिमेयीकरण कर दिए, देखो ऊपर नीचे कट गया है, ठीक है, कट जाएगा तो इतना ही आंसर आएगा ना। तो देखो यहाँ पे इससे फायदा ये है, देखो नीचे जो हर है ना वो बहुत आसान बन जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर जो रहेगा ऊपर ही, ऊपर जो प्लस ही प्लस वाला ही आ जाएगा, ऐसे प्लस वाला आ जाएगा, एक से गुणा होगा तो वही संख्या यहाँ पे आ जाएगी, एक से गुणा होगा तो। देखो इस नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये देखो ये आप फार्मूला पढ़े हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है इसका फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये तो आप पढ़ेंगे 10th में, ये फार्मूला होता है। तो देखो इस फॉर्म में दिया है कि नहीं, ठीक है, जैसे ये ए के रूप में दिख रहा है, ये वाला ए के रूप में दिख रहा है ए, ठीक है, और ये वाला बी के रूप में दिख रहा है आपको बी, तो देखो ए माइनस बी है यहाँ पे, और वैसे ही यहाँ पे देखो ए प्लस बी है, ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, ठीक। तो ए माइनस बी ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर करेंगे इसका, तो देखो इसका स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 100 का, और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, अंडर रूट 99 का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इससे फायदा ये है, देखो इसका स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 100, और ये क्या हो जाएगा आपका 99, ठीक है, मतलब रूट से मुक्त हो गया, स्क्वायर हुआ उसका, ठीक है, किसी भी चीज का स्क्वायर होता है रूट का तो उससे वो मुक्त हो जाता है, ठीक है, जैसे कि एक्स का अंडर रूट है, ठीक है, मतलब ये एक्स की घात क्या है, 1/2 है, ठीक है, अगर हम इसके स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये देखो एक्स का स्क्वायर तो 1/2 और गुणा ऊपर में 2, तो देखो 2 2 कट गया तो एक्स की घात एक्स ही बचे, ठीक है। तो वैसे ही अंडर रूट में स्क्वायर होएगा तो स्क्वायर से मतलब वो इसे अंडर रूट से मुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो 100 और 99, 100 और 99 का कितना है डिफरेंस, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो नीचे आपका क्या बन गया, देखो ऊपर तो वही रहेगा आपका, ये ऐसा रहेगा और नीचे क्या बन गया, 1, ठीक है। तो हर स्टेप में वैसे बनेगा, ठीक है, हर स्टेप में देख लो 99 98, मतलब एक एक का अंतर है और अंडर रूट में है, तो एक एक का अंतर है, तो आपका सब ऐसे एक एक बनते जाएगा, तो ऐसे मैं लिखते जा रहा हूँ। और ऊपर वाला जो है, ऊपर में क्या है, ये ए जो है आपको माइनस करके प्लस बन गया है, तो सबको प्लस में चढ़ाते जाएंगे, ठीक है, ऊपर में, तो वैसे ही कर रहे हैं यहाँ पे देखो। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, ठीक है, ये प्लस वाला है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये देखो अंडर रूट, हाँ अंडर रूट रहेगा 100 प्लस 99, ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है, अल्टरनेट की सीरीज है, प्लस माइनस, तो एक माइनस आएगा, उसके बाद देखो क्या होगा, ये अंडर रूट 99 प्लस 98, ठीक, उसके बाद देखो प्लस आएगा यहाँ पे, यहाँ पे प्लस आएगा, उसके बाद देखो अंडर रूट 98 माइनस प्लस अंडर रूट 97, ठीक है,
उसके बाद माइनस आएगा, ऐसे करते करते जाएगा, लास्ट में क्या है माइनस, देखो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट वन। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद देखो कुछ कट रहेगा तो कटा लेंगे, देखो प्लस माइनस यहाँ पे, अब देखो अंदर घुसेगा प्लस माइनस, ठीक है, तो क्या क्या कटेगा देख लेते हैं। तो देखो अंदर ये घुसेगा तो -99 बना रहे, ये तो इससे कट जाएगा, ठीक है, और ये माइनस अंदर घुस गया मतलब ये भी माइनस हो गया, और ये क्या है प्लस वाला है, ठीक है 98, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है, और वैसे ये प्लस वाला 97 है, और यहाँ पे माइनस उसके बाद क्या है माइनस लगेगा, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या है देखो शुरू से देखो पहला वाला बस बच रहा है और पूरा कट जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आते आते यहाँ पे ऐसे रहेगा ये √3 प्लस ऐसे करके प्लस, तो देखो ये भी कट जा रहेगा √2, ये भी, तो लास्ट वाला बचेगा फर्स्ट एंड लास्ट, तो क्या बच रहा है देखो फर्स्ट में क्या बच रहा है √100, और लास्ट में क्या बच रहा है देखो माइनस है तो अंदर में माइनस से गुणा कर देगा ना, तो ये माइनस आपका √1, ठीक है। तो क्या बच जाएगा √100 का मतलब आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, अंदर इसका 10 निकलेगा, ठीक है, जैसे कि √100 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना 10 गुणा 10, तो 10 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 - 1 कितना हो जाएगा 9। तो देखो बी आंसर होगा इसका, बी आंसर होगा, ठीक है। वैसे ही सातवां क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखो नीचे में अंडर रूट के रूप में दिया है आपका, देखो आपका अंतर भी देखो नहीं दिख रहा है, एक का अंतर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखो पूरा प्लस प्लस में दिया गया है एक तो, ठीक है, तो हम ऐसे ऐसे अंडर रूट ऐसे दिखता है तो हमको क्या है चुपचाप हर का परिमेयकरण करके देखना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, इसमें आसान हो जाती है बात, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण करके देखते हैं इसको, देखो यहाँ पे √3 + √4, ठीक है, इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बीच में क्या प्लस है तो इसका अपोजिट क्या होगा माइनस हो जाएगा, मतलब √3 - √4 / √3 - √4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये ऊपर में देखो तो वही बन जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे नीचे में अगर बनाऊंगा तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा और -4 आ जाएगा, ठीक है, 3 - 4, ठीक है। तो हम इस टाइप का क्यों करें, ठीक है, 3 - 4 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस टाइप का करता हूँ तो एक दिक्कत है कि माइनस में आंसर आ सकता है, यहाँ पे माइनस माइनस मजा नहीं आएगा अपने को, ठीक, यहाँ पे -1 निकल के आएगा, ठीक है, माइनस निकल के आएगा, फिर -1 निकल गया, फिर -1 का मतलब गुणा होगा, ठीक है, भाग दो जो भी है, -1 इसमें सप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा √4 - आपका ये, ठीक है। तो मतलब आपका यहीं पे आना है, तो मैं यहाँ से मतलब उल्टा क्यों गुणा करूँ, ठीक है, हम सीधा गुणा करके देखते हैं, जैसे कि इसको ऐसे कर दो आप, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो ये, ठीक है, लिख लो, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखो 4 को इधर लिख लो √4 को और √3 को, ठीक है, प्लस में है कुछ नहीं हो सकता, आगे पीछे कर दो, और आपका ऐसे लिख लो 4 और ये 3, ठीक है, 4 और ये 3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब 4 वाले को पहले लिख लिया, 3 वाले को बाद में लिख लिया, तो इसमें क्या होगा 4 - 3 मतलब अंतर चुपचाप एक मिल जाएगा, माइनस में नहीं आएगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस टाइप का लिखना। तो ऊपर में मिल जाएगा आपको √4 - √3, अब देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4 - 3 मतलब 1, मतलब सीधा आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है, कहने का मतलब आगे पीछे, मतलब बड़े वाले को पहले लिख लेंगे छोटे वाले को बाद में लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से बन जाएगा, इस टाइप का आपका बनते जाएगा। तो सेकंड वाला क्या बनेगा आपका, देखो वैसी आपको, चलो इसको मिटा देता हूँ, उसको मैं करता हूँ, ठीक है, देखो फर्स्ट वाला क्या बन रहा है आपका √4 - √3, ठीक है, वैसे ही अब देखो सब में क्या प्लस प्लस है बीच में, तो ये प्लस हो जाएगा बीच में, और ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे बड़ा वाला, देखो बड़ा वाला उसके बाद छोटा वाला, देखो 5 है 4 है तो ये हो जाएगा 5 - 4, ठीक, उसके बाद 6 और 5 है तो 6 - 5 होगा, ठीक है, √6 - √5, उसके बाद जाते जाते ये जाएगा ये कहाँ तक का 9 और 8, तो ये हो जाएगा 9 और -8, ठीक है, इस टाइप का होगा। उसके बाद देखो आपका जो जो कट रहा है कटा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो √4 है और वो 4 से कट रहा है, ठीक है, √4, देखो √3 नहीं कट रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ कटने वाली बात अलग टाइप की है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आप ऐसा सोचोगे ना, आप रट के रख लोगे कि सीरीज में क्या फर्स्ट और लास्ट बचता है, तो ये आपकी गलती है, ठीक है, आपको करके देखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए करते हुए, ठीक है, क्योंकि मैथ से कहीं से भी आपको इधर उधर कर सकता है, ठीक है, तो मैथ से इधर उधर हो सकता है, इसीलिए आपको मैं ट्रिक से कोई चीज को सॉल्व या फार्मूला बता के मैं सॉल्व नहीं कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि
क्योंकि वहीं से आपका गलती होने की संभावना रहता है। और फार्मूला के बेस में जो तैयारी करता है वो 1-2 साल मतलब वो तैयारी करते रहता है, और फिर नई चीज़ को मतलब पकड़ना, मतलब इस रास्ते में आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको इस रास्ते में ही डायरेक्ट लेके आया हूँ, आपको उस तरीके से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 कट रहा है, यहाँ पे वहाँ पे 4 कट रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो आपका अगर आधा मिनट अगर चला जाता है ये सब करने में, तो क्या आपको आधा मिनट नहीं, आधा मिनट भी नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब आपको इस टाइप का थोड़ा सा आपका समय भी चल जाएगा, 10-15 सेकंड, ठीक है। तो आपको क्या दिक्कत है करने में, ठीक है। तो भाई आपको 10-15 सेकंड के चक्कर में आपका अगर आंसर गलत हो रहा है, ठीक है, तो पूरा पूरा मार्क्स ही तो गए ना आपका, तो क्या फायदा हुआ आपका। इसलिए आप थोड़ा बहुत उसमें, ठीक है, टाइम खपा के आप कटा लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखो 4 कट गया, 4 कट गया, आप देखो 3, ये इसको रहा नहीं कट रहा है, तो देखो यहाँ पे 5 वाला कट रहा है, ठीक है, 5 वाला कट रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे 6 वाला है, तो देखो 6 और 5 है, ठीक है, 6 और 5 है, वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, मतलब 7 भी आएगा। तो यहाँ पे देखो ये दोनों ही स्टेप कटा है ना, तो ये भी ठीक है 7 और वाला है, ठीक है, 7 और 6 वाला आएगा। देखो यहाँ पे 6 भी कट गया, 6 भी कट गया, मतलब ये पूरा कटते जाएगा इधर, ठीक है। मतलब आपका ये सेकेंड स्टेप बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकेंड स्टेप मतलब फर्स्ट वाले का सेकेंड स्टेप बचा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट वाले को देखो कौन सा बचेगा, देखो लास्ट वाले का यहाँ पे थोड़ा सा इधर कर लोगे, जैसे कि आपका 9 और 8 है ना, तो एक 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 दो स्टेप इधर कर लो आप, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा आपका 9 8 है, तो ये आपका 7 6 हो गया, ठीक है, 8 9 तक गया है ना, हाँ वही तक जाएगा ना, 6 7 और 8 9, ठीक है। हाँ आपको देखो अब कुछ कट रहा होगा तो यहाँ से कटा सकते हो। 8 7 वाला भी एक स्टेप है ना, 8 7 1 स्टेप है, ठीक है। तो ये 8 और 7 वाला स्टेप हो गया, ठीक है। अब बाकी तो कुछ नहीं है इसके बीच में, अब पूरा स्टेप ही लिख दिया हूँ पूरा, देख लो आप। अब देखो कौन सा कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, ठीक है, 8 से आपका 8 कट रहा है, ठीक है। तो देखो बचा किस टाइप का, देखो कितना अच्छे से मतलब बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले का मतलब ये बच रहा है, ठीक है, फर्स्ट वाले का सेकेंड और लास्ट वाले का फर्स्ट बच रहा है, ठीक है, लास्ट वाले का फर्स्ट बच रहा है, ठीक है। यहाँ क्या बच रहा है, -√3, और उधर क्या बच रहा है आपका, √9, ठीक है। मतलब सबको कटाना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, लंबी सीरीज भी नहीं थी तो दिक्कत भी नहीं पड़ा। तो यहाँ पे देखो माइनस वाले को उधर ले जाओ, तो √9 -√3, तो क्या देखो √9, तो ये √9 क्या वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, 3 -√3, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। आपका आंसर भी दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, सी आंसर दिख रहा है, ठीक है, सी आंसर। तो देखो इसी टाइप का, ठीक है। अब बाकी जो है आपको कल कराऊंगा, आज के लिए इतना ही करते हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू।